हर तरफ अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा है, हर तरफ राम नाम की धुन है, और जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम मंदिर भक्तों की भीड़ से पटा पड़ा है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक और राम मंदिर है जहां राम विराजमान है, जहां राम की राजा के रूप में पूजा होती है, जहां राम के आने की कहानी इतनी भावुक कर देने वाली है कि जो भी सुनता है इस मंदिर में श्री राम के दर्शन को खिंचा चला आता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां हर रोज श्री राम को तोपों की सलामी दी जाती है। इस वीडियो में बताती हूँ आपको कहाँ है ये मंदिर और क्या है इसकी कहानी। ये कहानी 600 साल पुरानी है। 16वीं सदी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह हुआ करते थे। उनकी पत्नी महारानी कुंवर गणेश श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। दिलचस्प बात यह थी कि जो राजा मधुकर शाह थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार दोनों पति पत्नी में बातचीत हो रही थी। राजा मधुकर शाह ओरछा में श्री कृष्ण का मंदिर बनाने की सोच रहे थे, तो उन्होंने रानी से कहा कि चलो मथुरा वृंदावन हो आते हैं, वहां श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे और उन्हें यहां लाने के लिए कहेंगे। तो रानी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो श्री राम की भक्त हूं। इस पर राजा ने यूं ही रानी को चिढ़ाते हुए कह दिया कि कैसी भक्त हो तुम, तुम्हारे राम कहीं दिखते तो है नहीं, मेरे कृष्ण तो मुझे अक्सर दर्शन देते रहते हैं, अगर इतनी बड़ी भक्त हो तो श्री राम को यहाँ लेकर आओ। बस इस पर रानी ने ठान लिया कि अब वो अयोध्या जाएंगी और श्री राम को यहाँ लेकर ही आएंगी, और पूरे लाव लश्कर के साथ रानी अयोध्या निकल पड़ी। वहां उन्होंने खूब तपस्या की, ढूंढा, मगर राम कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं दिखे और ना ही दर्शन दिए। दरअसल उस वक्त बाबर ने मंदिरों को जिस तरह तोड़ा फोड़ा था, उससे घबराकर अयोध्या स्थित राम मंदिर के पुजारियों ने राम की मूर्ति को सरयू नदी में छिपा दिया था, ऐसा कहा जाता है। तो जब रानी को लगा कि अब दर्शन की कोई उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने लाव लश्कर से कहा कि जाओ राजा को संदेश दे दो कि मैं श्री राम को नहीं ला सकी, इसलिए सरयू नदी में ही अपने प्राण त्याग रही हूं। अब लाव लश्कर ने रानी की बात सुन तो ली, लेकिन राजा के डर से वो वहां से गए नहीं, बस थोड़ी दूर नदी से पीछे हटकर खड़े हो गए। अब सबने देखा कि रानी सरयू नदी में समाहित हो रही हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद रानी वापस नदी की सतह पर आती दिखी और उनके हाथ में दिखी एक मूर्ति। तो जो पौराणिक कथाएं हैं वो बताती हैं कि वो श्री राम की वही मूर्ति थी जो पुजारियों ने सरयू नदी में छुपाई थी। और पौराणिक कथाओं में ये भी बताया गया है कि जो मूर्ति रानी को मिली, उस मूर्ति में, मतलब उस मूर्ति ने या श्री राम से जिस तरह रानी की बात हुई होगी, तो उन्होंने ओरछा जाने के लिए 3 शर्तें रखी, क्योंकि रानी ने उन्हें बताया कि मैं आपको ओरछा ले जाना चाहती हूँ और आप मेरे साथ चलिए। तो श्री राम ने रानी की बात मानने के लिए 3 शर्तें रखी। एक शर्त ये थी कि वो सिर्फ पुष्य नक्षत्र में गमन करेंगे, यानी जो सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है सिर्फ उसी में चलेंगे, बाकी सब में वो विराम लेंगे। तो इसी के चलते ये भी बताया जाता है कि अयोध्या से ओरछा तक आने में रानी को 7-8 महीने लगे, क्योंकि वो सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही चलती थी और बाकी समय यात्रा को विराम दे दिया जाता था। दूसरी शर्त ये रखी गई थी कि जहाँ एक बार श्री राम बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। और तीसरी शर्त ये थी कि उनकी पूजा राजा के रूप में होगी और रात में वो अयोध्या वापस जाया करेंगे। तो दूसरी शर्त का नतीजा क्या हुआ, ये बहुत दिलचस्प है कि अब 7-8 महीने की पूरी यात्रा के बाद रानी जब श्री राम को ओरछा लेकर पहुंची, तो उन्हें लगा कि काफ़ी लंबा रास्ता था तो श्री राम को भूख लगी होगी, तो वो उन्हें सबसे पहले अपने महल की रसोई में ले गई और उन्होंने वहाँ श्री राम को बिठा दिया। और रानी ये भूल गई कि श्री राम ने शर्त क्या रखी थी। अब विद्वान और जानकार कहते हैं कि ये सब श्री राम की लीला थी, क्योंकि वो जानते थे कि रानी एक ऐसा मंदिर बनवाना चाहती हैं जहाँ पर महल के झरोके से, अपने कक्ष के झरोके से सीधे उन्हें श्री राम के दर्शन हो, और भगवान तो भक्त को बिना आए दर्शन दे दें। विद्वान ये कहते हैं कि ऐसा भगवान को सही नहीं लगता था, भाई जिसे दर्शन करने हैं वो चल कर आए, ये क्या कि आप अपनी ही जगह से बैठे बैठे मूर्ति के दर्शन कर लें। तो बताया जाता है कि इसी वजह से श्री राम की लीला थी कि वो रसोई में ही बैठे और फिर वहाँ से नहीं उठे, जैसा कि उन्होंने शर्त रखी थी। और दिलचस्प ये है कि जो श्री राम का राजा राम मंदिर है वो वहीं बना, क्योंकि वो मूर्ति आज भी बताया जाता है कि उसे उठाने की बहुत कोशिशें हुई लेकिन वह मूर्ति उठ नहीं पाई। इसलिए जहाँ पे प्लान किया गया था कि मंदिर बनाया जाए
जाएगा, वहां मंदिर नहीं बना, जहां श्री राम रसोई में विराजे थे सबसे पहले आकर, वहीं पे राजा राम का मंदिर बना। तो और तीसरी शर्त के अनुसार जो मान्यता अभी भी है कायम कि अयोध्या जाते हैं, वहां से ओरछा से श्री राम जो विराजमान है राजा के रूप में, वो रात में अयोध्या जाते हैं, तो उस तरह की पूजा की जाती है जहां वहां एक और हनुमान मंदिर है, तो श्री राम के मंदिर से दिया लेकर शाम को संध्या आरती के बाद हनुमान मंदिर में भेजा जाता है। और ये सिग्निफाई करता है, ये बताता है कि हनुमान जी जो राम जी के सेवक थे, वो उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर अयोध्या की तरफ ले जाते हैं। तो इस तरह की मान्यताएं हैं, और इन मान्यताओं के साथ इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। और जो भक्त दर्शन कर चुके हैं वहाँ, वो बताते हैं कि वो एक भव्य दर्शन है, और वहाँ आज भी तोपों की सलामी दी जाती है। तो अगर अयोध्या में जिस तरह की भीड़ है, लाखों लोग रोजाना पहुंच रहे हैं, उसे देखकर आप अभी अयोध्या जाने का प्लान ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपका मन अगर मायूस हो रहा है, तो आप ओरछा का रुख करिए, वहाँ श्री राम के दर्शन करिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, ये कहानी अगर अच्छी लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।